चलो छोटू फोटू आ जाए आज यहाँ रामलीला के राम जी की बारात का आयोजन है। कमेटी की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं, अभी शाम तक यहाँ रहेंगे और रामलीला के याद में यहाँ लीला होगी, सब लोग उसका आनंद उठाएंगे। आप बीजेपी के विधायक हैं, ऐसे में राम मंदिर को लेकर के क्या कहना चाहिए? राम मंदिर तो अवश्य बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं, सरकार अपने नियम कानून के अनुसार काम करेगी। इस देश का हिंदू जिस दिन चाहेगा उस दिन राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। तो कब तक इसका निर्माण शुरू हो जाना चाहिए? देखिए, इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है राम मंदिर, और हर हिंदू चाहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, और हम भी कहते हैं भाजपा विधायक के नाते राम मंदिर अवश्य बनेगा। कब तक इसका निर्माण शुरू हो जाना चाहिए? कोई डेट तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जैसे बाबरी मस्जिद ढही थी ऐसे ही किसी दिन राम मंदिर भी बन जाएगा। आप लोगों की टीवी चैनल पर खबर आएगी। जय जय। सुहेल देव समाज पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है और ये सब जो है बहकाने की बातें हैं, तो क्या इस पर क्या रिएक्शन है आपका, किस तरह देखते हैं? वो तो हमारे बड़े भाई जैसे लगते हैं सुहेल देव जी, और पार्टी की सरकार की कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ कानूनी बाध्यताएँ होती हैं, किंतु उस देश के हिंदुओं की कोई बाध्यताएँ नहीं है। उस देश का हिंदू जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन मंदिर बन जाएगा। अच्छा, क्या आप ये मांग करेंगे मुस्लिमों के नाम पे जो है शहरों के नाम है, क्या मांग करेंगे उनको बदला जाए? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं है। जहाँ आवश्यक है वहाँ सरकार देख रही है, वहीं पर चेंज किए जा रहे हैं। हर जगह चेंज करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।